जीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, शिमला, सिरमौर। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो सिरमौर, शिमला की बात करें तो शिमला में घी नृत्य फेमस है, सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में गुडा नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इंद्रहार दर्रा किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा। तो इंद्रहार जो दर्रा है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंद्रासन दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम किस जिले में स्थित है? तो कोल डैम हमारा बिलासपुर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। अब बिलासपुर के कोल डैम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोल डैम की जो नींव है 2000 या 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। यह सतलुज नदी पर बनाया गया है और यह 800 मेगावाट बिजली पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, हमारे पास ऑप्शन है यमुना, सतलुज, चिनाब, ब्यास। तो राइट आंसर रहेगा सतलुज। जो सतलुज है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो यमुना है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो रेणुका है। राइट आंसर रहेगा रेणुका हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है गोविंद सागर। तो यह मानव निर्मित कृत्रिम झील है जो बिलासपुर जिले में है। दशहर की बात करें तो दशहर झील कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। खजियार झील की बात करें तो खजियार झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया वो पीवी ग्लेशियर ने दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन है बनेर, चिन्नी, त्रिगढ़, सोनितपुर। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास त्रिगढ़। तो त्रिगढ़ है वो कांगड़ा का प्राचीन नाम है। बनेर की बात करें तो सुंदरनगर का पुराना नाम बनेर है, चिन्नी किन्नौर का पुराना नाम है और सोनितपुर सरानंद का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे हमीरपुर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा। तो राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बिलासपुर, मंडी, किन्नौर, कांगड़ा। तो जो राइट आंसर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सिल्ला चोटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट की बात करें तो 7026 मीटर या 7025 मीटर। नेक्स्ट है बिलासपुर, जो बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी रहेगी वो बहादुरपुर रहेगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी रहेगी नादू हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजता झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है चंबा, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा। तो हमारे पास रहेगा जो राइट आंसर रहेगा वो लाहौल स्पीति। जो सूरजता झील है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन रहेंगे चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। अगर नदी की बात करें कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है तो रावी नदी पर रहेगी। तो ये था हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।